के इस कार्यक्रम में हम लोगों के बीच में उपस्थित मंच पर बैठे हुए सम्मानित सभी जोन के कोऑर्डिनेटर, सभी जिले के माननीय जिला अध्यक्ष जी, सभी विधानसभाओं के प्रभारीगण तथा सामने की ओर बैठे हुए सभी विधानसभाओं से चल करके आए हुए अध्यक्ष, जिला सचिव सहित सभी पदाधिकारी और आम कार्यकर्ता समर्थक साथियों को जय भीम करता हूं। और निश्चित तौर पर साथियों, आज आप सब जानते हैं कि आदरणीय श्री मिश्रा जी का कार्यक्रम है, जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव और सांसद राज्यसभा हैं, इसलिए हम अपने ख्याल को बहुत लंबा नहीं रखना चाहते, सिर्फ आपके बीच में 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। साथियों, आज देश से लेकर के पूरे प्रदेश तक की राजनीति को आप लोग अच्छी तरह देख रहे हैं, पूरे देश और प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, खासकर से उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। उत्तर प्रदेश का सारा विकास ठप पड़ा हुआ है, बड़े पैमाने पर जुर्म जाति होने का काम हो रहा है। इसलिए साथियों, मैं तो आपसे कहना चाहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी के नीतियों रीतियों से आप भली भांति परिचित है। आदरणीय बहन जी के 4 बार मुख्यमंत्री बनने का जो गौरव हासिल हुआ है, उनके कार्यों को भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि आदरणीय बहन जी जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनती है तो उत्तर प्रदेश में कानून का राज चलता है, जंगल राज भ्रष्टाचार समाप्त हो जाता है। इसलिए साथियों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज बहुत बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि बाबा साहब अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हम लोगों को एक संविधान देके गए, जो संविधान पूरे विश्व में हमारे हिंदुस्तान का संविधान सबसे अच्छा संविधान माना जाता है। और बाबा साहब वो महापुरुष थे जिससे ज्यादा न तो कोई अस्तित्व हो पाया है, न उनसे ज्यादा कोई पढ़ाई कर पाया है, न तो लगता है कि भविष्य में कोई हो पाएगा। लेकिन आज ऐसी कौन सी परिस्थितियां है कि बाबा साहब के इस अच्छे संविधान को आज की जो वर्तमान सरकार है, केंद्र की सरकार जो बैठी हुई है, जिसकी सोच इतनी घटिया है कि आज जिस संविधान के बारे में एबीसीडी नहीं पता होगा, उस संविधान की धजिया उड़ा रहे हैं, उनको बदलने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसलिए साथियों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, बहुजन समाज के सभी साथियों से कहना चाहूंगा, आपको भी बड़ी अच्छी तरीके से मालूम है, यदि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में पूरे पिछड़े समाज हो, चाहे दलित समाज हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे सामान्य लोग के गरीब तबका के लोग हो, सारे लोगों को इस बात का पता है, खासकर से हमारे पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को जो राजनीति का एबीसीडी नहीं जानते थे, अपने महापुरुषों के इतिहास के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन धन्य हो माननीय कांशीराम जी ने आकर के सबको जोड़ करके सबके महापुरुषों के बारे में पता करके आपको एक बोर्ड के बारे में बता करके शासन प्रशासन में भागीदारी लेने के लिए तैयार करने का काम किया। इन्हें साथियों, में ज्यादा न कहते हुए सिर्फ एक निवेदन करना चाहूंगा, ऐसे समय पे जब हमारा संविधान खतरे में हो, जब हमारा देश खतरे में हो, उत्तर प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार हो, कानून का राज न हो, ऐसे समय में यहाँ बैठे हुए लोगों का यह दायित्व बनता है कि आने वाले 2022 में कानून का राज लाने के लिए, बड़े पैमाने पर विकास के लिए, अपने हक और हकूक के लिए निश्चित तौर पर साथियों, आपको अमरीय बहन जी को देखना पड़ेगा और हाथी के सामने की पटक चला करके अमरीय बहन जी को इस सूबे का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना होगा। इन्हें साथियों, चूंकि समय अभाव है, हम तो आपके जनपद में बोलते ही रहते हैं, इसलिए मैं आप अलीबाड़ी को विराम देते हुए देने के पहले यहाँ आए हुए सभी पूर्ण मंडल के सभी
सभी विधानसभाओं से चल करके आए हुए सभी माननीय कार्यकर्ताओं से पदाधिकारियों से सिर्फ एक बार निवेदन करते हुए कि आप लोग यहाँ से जाने के बाद समय बहुत कम है, आप लोग आपका जो प्रत्याशी हो हर लोग अपने प्रत्याशी का नाम खुद अपने को समझे और खुद प्रत्याशी करके अनुजा बहन जी के सम्मान में निश्चित तौर पे पूरी का पूरी ताकत लगाकर मेहनत करेंगे और हाथी के सामने की बटन दबाएंगे। आप लोगों का यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।